जो कि आपके हाई फ्रिक्वेंसी रेट है उनका और हाई इंपैक्ट फैक्टर है रिवर्टिंग रेट काफी अच्छा है उनका तो आज हम लोग अपनी वीडियो में और सीरीज नंबर थ्री जो स्कोपस की चल रही है स्कोप ऑफ अनपेड जर्नल्स की चल रही है मैं उसमें नंबर सीरीज थ्री को लेके आया हूँ सीरीज नंबर थ्री को लेके आया हूँ जिसमें हम लोग आज फार्मेसी के जर्नल्स के बारे में बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यस yes, तो ये क्राइटेरिया जो मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आपको अनपेड जर्नल्स की लिस्ट दे रहा हूं और आप केवल इस क्राइटेरिया को आ, नहीं देखते हुए अपना मैन स्कोप रेडी करके सबमिट कर देंगे तो अब भी बात है वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका मैन स्क्रोप ट्राइव तो क्राइटेरिया अनपेड स्कोप ऑफ जर्नल्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपका रिसर्च आर्टिकल ऑरिजिनल आर्टिकल यदि आप लिख रहे हैं सिस्टमैटिक रिव्यू लिख रहे हैं या फिर आप बेब्लोमेटिक रिव्यू पेपर लिख रहे हैं तो आपका स्टडी का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक होना चाहिए इन्फॉर्मेटिव आपका कंटेंट होना चाहिए इनोवेटिव आपका कंटेंट होना चाहिए पेपर में होनी चाहिए क्वालिटेटिव बिजनेस आपने मेंटेन uh, किए हो और अप्रोप्रिएट आपके रिजल्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन जर्नल की तरफ बढ़ते हैं कौन सा वो जर्नल है ड्रग डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है वो फर्स्ट नंबर पे मेरे पास जर्नल आता है जो कि अनपेड जर्नल है राइट right? इसका पब्लिशर जो है वो टेलर एंड फ्रांस पब्लिशर है ये जो इसका स्कोप है जनरल का वो केमिस्ट्री के पेपर लेता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल्स साइंस फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी राइट तो ये सब आप देख रहे हैं यहां पर कि ये जो पेपर लेता है वो आपके ब्रॉड एरिया में फार्मास्यूटिकल साइंस को टारगेट करते हैं यहां पे आपको डियर यदि आप नॉन ओपन एक्सिव जाते हैं तो आपको यहाँ पर इसके लिए कोई भी एपीवी चार्ज पे नहीं करना है कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको पे नहीं करना है राइट इसका साइट स्कोर की यदि बात करूं तो आप देखेंगे फाइव इसका साइट स्कोर है और 5.9 का मतलब ये हो गया कि यदि मैं इसका इंपैक्ट फैक्टर को कैलकुलेट करता हूं तो इट विल बी इक्वल टू फोर पॉइंट जीरो राइट तो फोर इसका जो है वो इंपैक्ट फैक्टर है राइट right? तो इसमें यदि कोई भी यदि आपके फार्मास्यूटिकल uh, साइंस uh, के रिसर्च स्कॉलर है पीजी है पीजी स्कॉलर है साइंटिस्ट है ऑथर हैं राइट सो दे कैन चूज दिस जर्नल फॉर देयर मैन राइट फम्बिशन यस जो नंबर दो लिस्ट पे आता है मेरी टॉप टेन लिस्ट में जनरल वो उसका नाम है फार्माकोलॉजिकल रिव्यू राइट जनरल जो है डियर वो आपके 1949 से लेके 1951 टू प्रेजेंट कंडीशन में अभी तक आपका ये जनरल जो है प्रेजेंट कंडीशन में है और इसका पब्लिशर जो है वो है इसका अमेरिकन सोसाइटी फॉर फार्माकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल थे बात करूं जनरल की तो जीरो जीरो थ्री वन सिक्स नाइन नाइन सेवन पब्ल नंबर है ये जो पेपर लेता है वो फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल साइंस के ही पेपर लेता है यदि आप जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी या बायोलॉजी में डील कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में डील कर रहे हैं तो आप और आपका यदि कहीं माइनोस्क्रिप्ट लिंक्ड है फार्मास्यूटिक्स से या फिर टॉक्सिकोलॉजी से राइट तो भी आप अपना मैनोस्क्रिप्ट इस जर्नल को सबमिट कर सकते हैं इसके लिए आपको कोई भी, भी, भी चार्ज पे नहीं करना यदि आप नॉन ओपन एक्टिव में जाते हैं आप देखेंगे इफका मतलब इफका जो है, है, तो आपको अपनी फर्स्ट वाली फ्लाइट में आपको जो बताया है कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया मेंटेन करने है यदि आप वो बहुत अच्छे मेंटेन करते हैं तो ऐसा नहीं है इनका हाई इम्पैक्ट फैक्टर है कोई बात नहीं बट फिर भी आपको ये पेपर को एक्सेप्ट कर लेंगे कर, रेट काफ़ी अच्छा है फार्माकोलॉजिकल रिव्यू जर्नल का तो यहाँ पे यदि जिनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट स्टडी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे उनके रिजल्ट आए हैं तो वो अपना इस जर्नल को प्रेफर कर सकते हैं यस नंबर थ्री ट्रेंड्स इन फार्माकोलॉजिकल साइंस राइट ये जो जर्नल है नंबर थ्री लिस्ट पे आता है और इसका जो स्कोपस कवरेज ईयर है 1979 से लेकर प्रेजेंट कंडीशन में में ये स्कोपस इंडेक्स है एल्फवेयर इसका डियर पब्लिशर है और आई एस एफ एन नंबर की बात कर तो जीरो वन सिक्स फाइव सिक्स वन फोर सेवन इसका आई एस एफ नंबर है जो इसका सब्जेक्ट एरिया है वो आपका सेम सिमिलर है जो मैंने अभी दो तो जनरल के लिए बात किया है फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजिकल फार्मास्यूटिक्स के ही जनरल क्योंकि मैं फार्माकोलॉजी के ही जर्नरल डियर टारगेट कर रहा हूँ तो इस लिस्ट में जो आपको फार्माकोलॉजी के जो भी रिसर्च कॉलर है वो इसलिए उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है पी पी आपको यहां पर कोई पे नहीं करना है इस चैनल के लिए कोई सब्सक्रिप्शन आपको पे नहीं करना है मैंने ये लिखा है कि यदि आप अपने पेपर को एज एन ओपन एक्सिव लेके जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको पे करना होता है बट आप आ, गोल्ड ओपन एक्सिव या फिर ओपन एक्सिफ को आप अडॉप्ट मत कीजिए आप सीधे ट्रेडिशनल ओपन एक्सिफ की तरफ जाइए या आपको नॉन ओपन नॉन ओपन एक्सेस की तरफ जाइए राइट तो वह कंडीशन में आपको कोई भी आपको पे नहीं करना है फाइट स्कोर की बात करूं तो इसका ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्रीट स्कोर है इसका मतलब इसका मोर देन एटीन जो है इसका

22, 3.3, it means it's having more than 17 impact factor, right? That's sound goes Number five, yes, pharmacological and therapeutics, right? So, this journal is also indexed from the 1987 to prevent condition in its Scopus database, right? And the publisher of this journal is the Elsevier, right? And the ISF number of uh, this journal is 01637258, right? नंबर ऑफ दिस जनरल टॉक अबउउट दबरिया जनरल दि मेडिसिन दार्मकोलॉजी दि मेडिकल फार्मोलोलॉजी टॉक्सिकोलॉजिकार्मा स्कॉलर और दी ऑथर कैन सबमिट दियर मैन स्कोप टू दिस जनरल इफ यू आर गोइंग टू इफ आर अडॉप्टिंग एव एन नॉन ओपन एक्सिस्टिंग फ्लॉट दर इफ नो नीड टू बी पे एनी एपीसी चार्ज एन सब्सक्रिप्शन फॉर दिस जनरल The site score of this journal is twenty-two point two, right? It may act, it means uh, uh, this also having the more than seventeen impact factor. That good sound. Uh, that means it's I'm good, right? Yes, number six. A drug resistance update is the journal in our sixth list, right? It's the sixth number of journal uh, in our top ten list. It is the drug resistance update right this channel is also indexed from 1998 to present condition is scopus database the publisher of this channel is the uh, the isf number of this channel is one three six eight seven six For six. It's the of air, uh, area की बात करूं तो आप देख रहे हैं काफी ब्रॉड आपको मिल जाता है जिसमें आप बामिस्ट्री याग डिजाइन कर रहे हैं राइट उसका कैरेक्टराइजन कर, कर रहे हैं उसका फॉर्मुलेशन कोई डिजाइन कर रहे हैं उसका एवेलुएशन कर रहे हैं उसका तो आप इस जनरल में जा सकते हैं डीयर यहाँ यदि आप नॉन ओपन एक्सएस कोई भी एपीसी चार्ज कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको पे नहीं करना है साइड स्कोर इसका थर्टी है इट मीन इट्स Having impact factor more than 25, right? More than 25 is the, the great impact factor of this journal. The reverting rate of this journal is also very good, right? If you are submitting your manuscript uh, today itself, they will be reverting on your manuscript within a one week or one week to 10 days, right? 6 to 10 days, right? On your manuscript, right? Yeah. Yes, number seven. So number seven list of journal that is drugs, right? The publisher of this journal is Springer Nature. Yeah, that's good. And uh, this journal is also indexed from 1972 to present condition in Scopus database, right? The a number of this journal is 00126667, right? Yes, the subject area of this journal is medicine, pharmacological and the medical field, right? So, if you are adopting as an non-open access uh, uh, slot, right? Uh, there, is, and there is no need to be pay any APV charge, any subscription charge of this journal. The site score of this journal is 15.9, that means uh, it's having more than 12 impact factor. That means it found good, right? You can prefer this journal for your manuscript, right? Yes. Number eight, international journal of antimicrobial agent, right? So this journal is also indexed uh, in Scopus from 1991 to present condition in Scopus database. The publisher of this journal is Elsevier. Uh, the IFF number, uh, ISF number of this journal is 09248579 If is the IF number of this journal. सब्जेक्ट एरिया जो है जनरल का डियर दैट इज मेडिसिन फार्माकोलॉजिकल मेडिकल दिस इज दब्जेक्ट एरिया ऑफ दिस जनरल यदि आप नॉन ओपन एक्सेस में जाते हैं इस जनरल को लेकर तो आपको यहां पर कोई भी सब्सेशन आपको पे नहीं करना है साइड स्कोर फिफ्टीन पॉइंट वन है इसका मतलब इसका भी इंपैक्ट फैक्टर से ऊपर ही इसका इंपैक्ट फैक्टर है राइट right? नंबर नाइन एक्टा फार्मास्यूटिका सिनिका वी राइट इट इज द जर्नल राइट विच इज इंडेक्स इन स्कोप फ्रॉम नाइन फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेल्व फोर्टीन टू प्रेजेंट कंडीशन राइट इन स्कोप ऑफ डेटा बेस राइट सो दब्लिशर ऑफ दिस जर्नल इज ऑल्सो दर आई ए नंबर की बात करूँ तो डबल टू डबल वन थ्री टू थ्री एट फाइव ई इसका आईस एफ नंबर है सब्जेक्ट एरिया की बात करूँ तो फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स कि ये जो है वो पेपर लेता है यहां यदि आप नॉन ओपर एक्सेंट में जाते हैं तो आपको कोई भी एपी पे नहीं करना है सब्सक्रिप्शन आपको कोई पे नहीं करना है मोर देन इलेवन का हाई इम्पैक्ट फैक्टर है नंबर टेन जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस स्कोपस में डियर ये इंडेक्स है uh, पब्लिशर है राइट right? आई एस एफ नंबर की बात कर दो वन जीरो टू वन ट्रिपल सेवन जीरो इसका जो है वो आई एफ एफ नंबर है और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना ब्रॉड एरिया है इसका ई मेनस्कोप में आप फार्माकोलॉजी को ले लीजिए बायो केमिस्ट्री ले लीजिए मालिकुलर बायोलॉजी लीजिए क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री चैनेटिक्स मालिकुलर बायोलॉजी राइट सेल बायोलॉजी सो दिस जर्नल हैविंग ब्रॉड ब्रॉडस्कोप ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया राइट सो द

तो प्लीज़ मुझे आप कैसे डोमिनेट कर सकते हैं कैसे आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं प्लीज हिट ऑन द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक्स लॉट एंड गेट अगेन टाइम